हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट क्लासेस में। मैं आज आपको कराऊंगा क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे आज हम, ठीक है? तो देखिए, मैंने नंबर क्लास 9 का ही जो चैप्टर 1 है उसके एक्सरसाइज 1.2 और उसके इंट्रोडक्शन का मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले उसे करिए, क्योंकि उसमें जो इंट्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और वही सेम पैटर्न मैंने क्लास 10 के लिए भी कर रखा है, जिसमें कि मैंने चैप्टर 1 जो उनका रियल नंबर है उसमें मैंने पहले उनका इंट्रोडक्शन दे रखा है और साथ ही साथ 1.1 भी समझा रखा है। तो अगर आपके कोई छोटे भाई या बहन या आपके साथ वाला कोई हो जो कि आपके साथ में ही पढ़ता हो, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जैसे मैंने बताया कि क्लास 9 का भी हम चैप्टर 1 करेंगे, तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर, ठीक है? इसका हम एक्सरसाइज 1.2 आज करेंगे। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमें ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। ट्रू फॉल्स ये बताना है कि क्या सारे इरेशनल नंबर हमारे क्या रियल नंबर होते हैं क्या। देखिए, हमें इसके लिए डेफिनेशन समझनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इरेशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए समझिए ज़रा सा। तो जो हमारा जो रियल नंबर जो होते हैं ये क्या होता है, इसमें रैशनल और प्लस इरेशनल दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है? रियल नंबर क्या होते हैं? द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल प्लस इरेशनल नंबर दोनों ही नंबर आते हैं। तो हमें क्या करना है कि पूछा जा रहा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर जो हैं क्या वो रियल नंबर हैं। देखिए, क्या सारे इरेशनल नंबर जो हैं क्या वो रियल नंबर में आएंगे? तो यस, इसी वजह से क्या बन जाएगा, ये चीज़ ट्रू बन जाएगी और ये हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि सारे नंबर लाइन पे, कि जो नंबर लाइन पे सारे जो पॉइंट होंगे इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम आएंगे क्या? देखिए, इसको समझने के लिए आपको नंबर लाइन समझना पड़ेगा। देखिए क्या था नंबर लाइन, जैसे कि हम लोग बनाते थे कि ये हमने एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है? यहाँ हमने रख दिया, यहाँ हमने 0 डाला, यहाँ 1 डाला, यहाँ 2 डाला, यहाँ हमने 3 डाल दिया, ऐसे ही 4 आएगा, ऐसे ही 5 6 7 सब आता रहेगा। तो कि पूछा है कि क्या सारे जो पॉइंट मैं बनाऊंगा क्या उनको मैं रूट एम के फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखिए, 1 क्या है, 1 जो है इसको अगर मैं रूट 1 लिखूँ तो इसको इसके वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं रूट 2 को मैं रूट 2 लिख मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, क्योंकि इसकी कुछ अलग से वैल्यू होती है, ठीक है? उसी तरह अगर मैं रूट 3 को लिखना चाहूँ, अगर रूट 3 को लिखना चाहूँ तो क्या दिक्कत है, इसमें भी कुछ वैल्यू आएगी। उसी तरह अगर मैं रूट 4 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 2 होती है, ठीक है? तो उसी तरह क्या है कि ये जो सारे जो नंबर हैं इनको हम रूट फॉर एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से फॉल्स आ जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर जो होंगे क्या वो इरेशनल नंबर होंगे? तो इसी के लिए वही डेफिनेशन सेम रिपीट करिए कि रियल नंबर क्या था हमारा, रियल नंबर था हमारा रैशनल प्लस इरेशनल, यही था। तो यहाँ पूछा है कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? तो देखिए ज़रा, यहाँ ऐसे पूछ रखा है कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर बन सकते हैं क्या? देखिए, इज इक्वल टू रियल नंबर वाला सारा इरेशनल नंबर कैसे बन सकता है? ये तो कम्बिनेशन से हम रैशनल और इरेशनल दोनों मिलाऊंगा तब जाके रियल नंबर बनाएगा। तो इससे क्या हमें समझ में आया कि ये आंसर गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट वाला सही था इसके हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं ज़रा। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कि क्या सारे
पॉजिटिव इंटीरियर का स्क्वायर रूट अगर करें हम लोग तो क्या वो इरेशनल आएगा क्या? चलिए इसको चेक करते हैं। अगर मैंने लिखा रूट वन की वैल्यू वन आएगी, उस तरह अगर मैं लिखा रूट टू की वैल्यू तो इसकी वैल्यू होती है 1.414। इस वैल्यू को याद कर लीजिए, अभी आगे भी ऐसे डैश 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 ऐसे नंबर आते रहेंगे, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपकी हर जगह काम आएंगी वैल्यू पुट करने में। उसी तरह रूट थ्री की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.732, ऐसे ही आगे चले जाए। उस तरह अगर रूट फोर की वैल्यू हमने देखा तो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे ज़रा हमें देखिए कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, क्या सारे इरेशनल बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि रूट टू की वैल्यू तो बना रही थी इरेशनल, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इरेशनल क्या था, जो कि नंबर कभी भी रिपीट होते हैं, जो नंबर कभी रिपीट नहीं होते बट कभी टर्मिनेट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 1.414, यही आएगी। आगे भी चलता जाएगा तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और नंबर कभी रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं रूट फोर लिखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी वैल्यू 2। तो ये क्या हो रहा है, ये तो रैशनल नंबर है, ये क्या बन रहा है, ये हमारा रैशनल नंबर बना रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या बना रहा है, रैशनल नंबर बना रहा है। ये क्या बना रहा है हमारा, ये हमारा इरेशनल नंबर बना रहा है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बोला है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट डैट इज रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 9 हो सकती है, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कि वो क्या वैल्यू हो जाएंगी, परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे पेपर में और आएगा ही आएगा, फर्स्ट टाइम के पेपर में तो आएगा ही आएगा, सेकंड में चांस है। तो क्या है क्वेश्चन कि शो डैट रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, कि मुझे रूट फाइव को दिखाना नंबर लाइन पर। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके रूट थ्री के लिए, रूट फाइव के लिए, रूट सेवन के लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जरा समझिए, ज़रा इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि हम लोग इसको एक पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, आपने एट क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, उससे करना है। तो हमें इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम समझनी पड़ेगी पहले। देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम हमारा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम ऐसे है कि हमने जैसे ये हमने ट्रायंगल बनाया छोटा सा, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है हमारा, ये वाली साइड कहलाएगी एच, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, पी, और इसको कहेंगे हम लोग बेस, मतलब बी से नोट करेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला बस याद कर लीजिए, कोई सा फिगर, ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता था यहाँ पे 90 डिग्री, तो सामने वाली ये वाली साइड फिर एच हो जाएगी यहाँ पे। बस हमको ये समझना है कि 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है वो एच होती है, बस इतना समझ लीजिए, हर जगह काम आएगा चीज़। देखिए अगर ये वाली चीज़ एच बन जाएगी तो ये दोनों पी और बी बन गई, ठीक है। इतना तो हमको फॉर्मूला याद करना है कि एच का जो स्क्वायर होता है, एच का जो स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यही लगाना है हमें, एच की जो वैल्यू रखनी है वो रूट फाइव रखनी है, एच की वैल्यू रूट फाइव रखनी है हमें, एच की वैल्यू, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। रूट में जो चीज़ वैल्यू होती है अगर स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो आंसर वही होता है, खुद ही हो जाता, ठीक है। तो देखिए ये तो बन गई हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू, तो मैंने एच स्क्वायर इस जगह थोड़ा सा इस जगह पर मैंने रख दिया 5 इज इक्वल टू पी और बी बच गए हमारे, पी और बी की वैल्यू कुछ ऐसा रखिए ताकि उनका स्क्वायर करने पर ना मुझे 5 आंसर आ जाए। क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझिए कि देखिए इस ट्रायंगल में समझिए, मुझे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो मिल गई 5, ठीक है। ए और बी की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, इन दोनों की वैल्यू ढूंढनी है, तो इनका कुछ वैल्यू ऐसा रखिए
ताकि स्क्वायर करने पर मुझे वही 5 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 4 और 1 लिख दूं, क्या क्या 4 और 1 कर दूं मैं, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो ये 4 किसका है, 4 प्लस 1 तो 5 बन गया, ठीक है मेरा। लेकिन ये बात देखिए स्क्वायर बन रहा है किसी का, क्या 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि मैं क्या लूँगा, ए बी की वैल्यू तो 2 लूँगा और बी सी की वैल्यू क्या लूँगा, 1 लूँगा। ए बी की वैल्यू 2 लूँगा और बी सी की वैल्यू 1 लूँगा, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। मुझे बस यही दो वैल्यू ढूंढनी होती है, बस काम खत्म। तो ए बी की वैल्यू मुझे 2 मिल गई यहाँ से, बी सी की वैल्यू 1 मिल गई। अब देखिए नंबर लाइन डालना हमने ए से, ए से ले मतलब 1 2 3 4 हमने नंबर लाइन डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए मुझे यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू हमें मिली थी वो हमने नीचे डाल दिया, ए बी की वैल्यू हमने नीचे डाल दिया और क्या बन गया हमारी 2 बन गई, ठीक है इतना, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमने 2 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये जो बी सी जो है, बी सी ये कितना रखा है हमारा 1, तो ये हमने 1 सेंटीमीटर खींच दी, ठीक है। ये जो लाइन जाएगी अपने आप ही रूट फाइव की वैल्यू जाएगी, ये अपने आप रूट फाइव की मतलब 5 की वैल्यू जाएगी, रूट फाइव नहीं सॉरी, ये हमारे अपने आप ही 5 की वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू अपने आप 5 की वैल्यू, ये मैंने रख दी 2, ये बन गई 1, 2 का स्क्वायर ये बनेगा 4 हमारा, ये वाला 4 ये वाला 1 और ये दोनों मिल गया 5 बन गया, ठीक है। अब देखिए अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब क्या करना है हमें पेंसिल को, मतलब पेंसिल में हमें कंपास लगाना है, थोड़ा सा कंपास का काम आएगा। यहाँ पे ये रख करना है कि मुझे इस बी पॉइंट पे तो पेंसिल रख कंपास रख देना है, ठीक है। और उसका जो पेंसिल का जो निब होगा उसको हमें सी पे रख देना है, जितना खुलेगा उसको फिर रोटेट करिए, रोटेट करने पे हमारा जहाँ पे मिलेगा वही उसको मान लीजिए डी पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, उसको मान लीजिए वो हमारा डी पॉइंट। दोबारा बताता हूँ स्टेप, देखिए दोबारा से, दोबारा सुनिए ध्यान से। देखिए बी पॉइंट पे हमें निब रखना है कंपास का, सी पे ओपन करके उसको पेंसिल रखनी है और फिर उसको घुमा दीजिए। नंबर लाइन पर जाके जहाँ ये मीट कर रहा है तो ए से लेकर के जहाँ मीट कर रहा है ये हमारी रूट फाइव की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू, रूट फाइव की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई चीज़, क्या देखो दोबारा बताता हूँ मैं, क्या है कि बी पे हमने कंपास रखा, सी पे हमने पेंसिल रखी, ठीक है, और रोटेट करा दीजिए। नंबर पर जाके जहाँ मीट करेगा वो हमारी ए से लेके डी नंबर दे दीजिए, उसका नाम दे दीजिए, तो यहाँ ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारी रूट फाइव की वैल्यू हो जाएगी। बस ऐसे ही क्वेश्चन अपने को, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वैसे ही हमें 2 और जैसे यहाँ मैंने 1 ढूंढा है तो ऐसे ही मैं 3 में भी क्या ढूंढ सकता हूँ, ठीक है, ताकि उनका स्क्वायर क्या बन जाए, मतलब स्क्वायर उनके प्लस के बराबर आ जाए। तो ऐसे ही 3 में भी ढूंढना पड़ता है हमें, 7 में भी ढूंढना पड़ सकता है, तो यही सब क्वेश्चन बस इसमें ढूंढने का काम है, ठीक है। 3 और जो 7 के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बाद में कराऊँगा जब हम रिविज़न करेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा आज के लिए 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, मतलब तो आज मतलब इसका एक्सरसाइज हमने हमने कंप्लीट कर लिया 1.2। तो देखिए ये जो हम लोग जो कर रहे हैं ये हमारा जो हमारा नाइन को क्या नाम एच आर डी मिनिस्टर ने जो निकाला है कि इतने चैप्टर इतने टॉपिक जो कट रहे हैं हमारे उससे मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं मतलब सारे टॉपिक करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ सीबीएसई के लिए स्कूल लेवल के लिए जो काटे गए हैं स्कूल लेवल पर काटे गए, लेकिन अभी ना आईआईटी के लिए ना कंपटीशन के लिए किसी भी कंपटीशन के लिए नहीं कुछ नोटिफिकेशन आया। तो मैं क्या कर रखा है, मैंने क्या किया है, मैंने सभी के लिए करा रहा हूँ अभी, तो बस आप पढ़ते रहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कम नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स लॉट।